हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे, मतलब द्विघात समीकरणों को कैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा 10 क्लास में, 9 क्लास में, 8 क्लास में, जिसमें इस तरह का द्विघात समीकरण आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको रहता है गुणनखंड करने के लिए, क्या करना रहता है, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। तो हम लोग इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, कैसे इसको गुणनखंड करेंगे, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले से हम 7 एग्जाम्पल ले लिए हैं, फिर सातों अलग अलग तरह का एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपको किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दे, तो अगर आप ये सातों को सही से देखते हो तो आराम से आप किसी भी तरह का गुणनखंड कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन का गुणनखंड अगर आपको करने को मिल गया तो अगर ये सातों सीख जाते हो तो अच्छा से कर लोगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ ये है 3x² - 10x + 8। अब इसको को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ इस रूप में लिखा हुआ है ax² bx + c, इस रूप में लिखा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का रूप है, ये जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप। और जब भी इस रूप में लिखा है तो इसको हम लोग इस तरीके से आते हैं कि पहला को तीसरा से गुणा करते हैं, अगला गुने पिछला, ए को सी से गुणा कर देते हैं, अगला गुने पिछला कर देते हैं, और फिर जो घटाओ पिछला करते हैं। इसका हम लोग अपना नाम रखे हैं अगला गुने पिछला, जो घटाओ पिछला। ये कब बनेगा, जब इस टाइप करेगा क्वेश्चन तभी। तो देखिए यहाँ पर पहला में क्या है 3, दूसरा में क्या है 8, 3 और 8 को गुना कीजिए कितना आ जाएगा 24, 3 8 को गुना करिए कितना आ जाएगा 24। अब जैसे है वैसे लिख लीजिए, लिख लिया माइनस, क्या लिखेगा माइनस। अब यहां देखना क्या है, यहां पर कौन सा साइन है, जोर का ना, यहां का साइन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ये साइन देखिएगा किस चीज का है, जोर का। तो कोई ऐसा दो संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर 10 आ गए और गुना करने पर 24, कोई ऐसा दो संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर कितना आवे 10 और गुना करने पर कितना आवे 24। तो ऐसा पर संख्या दो कौन है 4 और 6, 4 और 6 को आप जोड़िए तो 10 आता है, गुना करने पर 24। तो चलिए यही वाला चीज आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ लिखने से बस यही सोचना है, यहाँ कितना है 4 4, 1 से ना तो 1 से लिखेंगे, फिर हमको जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए क्या लिखना पड़ता है प्लस, यहाँ कितना है 6 और 1 से तो x + 8। ये प्लस क्यों लिखे है, बस आपको ध्यान देना कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ भी क्या होगा माइनस, मतलब यहाँ पर माइनस घटाओ तो यहाँ पर घटा के लाना पड़ेगा, यहाँ जोर है तो जोर करके लाना पड़ेगा। अब इसको बना लीजिए, आप बनाना इसको कोई बड़ी बात नहीं है, 3x² यहाँ लिखे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्या ये माइनस इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये प्लस का तो प्लस रहेगा, ये 8, क्यों नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना, इसीलिए। अब ये देखो देखिए यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 4, आपको ऐसा पा रहा है जिसमें 3 भी है और 4 भी है, तो ऐसा मात्र एक ही को पा रहा है, कौन 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब यहाँ लिखिए एक्स 2 हो या एक्स 1 हो, तो दोनों में कितने एक्स है जो मिल रहे हैं, कितने एक्स है जो दोनों में मिल गया, एक एक्स है जो दोनों में मिल गया, तो एक का पार है 3, कितना बार में 3 बार में। अब 2 को एक्स में से 1 एक्स निकाल लिए तो 1 एक्स बचा, या प्लस माइनस क्या माइनस, एक का पार में 4 बार में, और 1 एक्स में से 1 एक्स निकाल लिया ना, तो यहाँ पर एक्स निकला, मतलब ये इधर में आपको कॉमन करना है, फिर ये दोनों में कॉमन करना है, दो पार्ट में इसको कॉमन करना है, ये दोनों में और ये दोनों में, ये दोनों में कॉमन देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है, 3 और 4 में 1 के पार आ रहा है, और 2 एक्स है, 1 एक्स है, 1 एक्स निकाल लिए। चलिए इससे काम करता हूँ। अब हम क्या करते हैं ना कि एक्स के आगे कभी भी 1 रहे, या बाई के आगे, या एबीसीडी के कोई अक्षर के आगे, मतलब चर राशि के आगे 1 रहता है तो 1 को जनरली नहीं लिखते, इसे 1 यहाँ पर हम नहीं लिखे, मिटा दिए, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है, तो अभी आप यहाँ पर 1 लिख भी सकते हो। चलिए आगे यहाँ पर माइनस है तो हम लिख दिए माइनस। अब 6 और 8 देखिए, 6 और 8 किसी के पहाड़ में आता है, जैसे इसमें किया वही काम इसमें करना है, 6 8 देखिए किसी पहाड़ में आता है, तो 6 8 आप आता है 2 के पहाड़ में, किस पहाड़ में 2 के पहाड़ में, या एक से यहाँ 1 से नहीं, तो दोनों में मिल रहा है क्या एक्स, नहीं मिल रहा है तो एक्स नहीं निकालेंगे, तो बस 2 के पहाड़ में 6 कितने बार में 3 बार में, ये एक्स यहाँ पर रह गया। अब यहाँ बोले थे कि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस रहेगा, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस रहेगा तो अंदर को उलट दीजिएगा, प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो
प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब दो का परिमाण क्या वर्ण में है, चार वर्ण में, तैयार लिखिए चार। देखिए दोनों को जब मिल गया, क्या दोनों जगह जब मिल गया तो आपका बना हुआ क्या है सही है, और अगर नहीं मिलेगा इतना तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। बस यही पहचान है कि दोनों जगह को मिलना जरूरी है, मिल गया तो बस आगे बढ़िए, ये दोनों को कॉमन कर लीजिए, मतलब दोनों की जगह पर एक लिखिए, एक लिखिए ना। अब यहाँ पर बच गया कितना एक, यहाँ पर कितना बच गया, ये जब हट गया यहाँ कितना बचा माइनस टू, ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर टू ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू भी इसी टाइप का है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। अब इसको भी क्या क्या हम पहला काम था कि अगला गुने पिछला, तो अगला गुने पीछे कीजिए, छह छके छत्तीस, छत्तीस होता है ना। अब यहाँ पर करना क्या है कि हमको जो है वो लिख दीजिए, लिख दिए यहाँ में माइनस तो माइनस लिखिए, बस यहाँ पर रुक जाना है, यहाँ पर आगे क्या करना है रुक जाना है। अब देखना है यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या हमसे साइन है, हमको ये साइन बहुत जरूरी है, ये देखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है घटाओ। तो ऐसा कोई दो संख्या बताइए जिसको घटाने पर पांच आवे और गुना करने पर कितना आना चाहिए छत्तीस, घटाने पर पांच और गुना करने पर छत्तीस, क्या नौ चार हो सकता है, नौ चार को घटाइए पांच आ जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो छत्तीस। समझ आ रहा है क्यों घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस साइन है, इसमें क्यों जोड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस साइन, तो यहाँ का साइन आपको लिखना है माइनस है। तो ऐसा संख्या खोजिए जिसको घटाने पर क्या आना चाहिए ये वाला पांच और जोड़ने पर क्या, सॉरी गुणा करने पर क्या आना चाहिए छत्तीस, तो नौ और चार। अब यहाँ पर लिखेंगे नौ है ना, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे नौ एक्स, फिर हमको क्या करना है घटाव करना है ना, यहाँ जो साइन है वही यहाँ लिखेंगे माइनस चार एक्स, यही तो जैसे था वैसे लिखेंगे, इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, ये काम कर लिए तो आगे मैट आपका बन जाएगा, अब इसमें कुछ है नहीं, आगे इसको क्या करना है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस नाइन एक्स माइनस माइनस प्लस। अभी भी बता के जब बाहर माइनस रहेगा ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा तो अंडर का साइन क्या हो जाएगा उलट जाएगा, उलट जाएगा तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है ना तो प्लस है, यहाँ फोर एक्स, क्या ये भी चेंज होगा, नहीं ये चेंज नहीं होगा, ये जैसे का वैसे रह गया। अब आपको दो पार्ट में बांटना है ये दोनों पार्ट, अब ये दोनों में देखिए कोई पहाड़ा है जिसमें छह और आता है तो तीन के पार है, यहाँ दो गो एक्स या एक एक्स, कितने एक्स कॉमन है एक एक्स, यहाँ एक एक्स लिख देंगे। अब तीन का पार में छह दो बार में, यहाँ पर दो गो एक्स में सेवन एक्स निकल गया ना तो एक एक्स बच गया माइनस तीन के पार में नौ तीन बार में। अब एक एक्स में सेवन एक्स निकल गया ना यहाँ कुछ नहीं बचा प्लस, अब देखिये चार और छह किसी के पार में है क्या, दो के पार में दो लिख देंगे, एक यहाँ है लेकिन यहाँ पर है नहीं, ये तो कॉमन नहीं होगा, तो बस दो से कॉमन करेंगे तो दो के पार में चार दो बार में, ये एक से सी रह गया यहाँ पर माइनस है तो माइनस, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर जब माइनस रहेगा ना तब इसको प्लट के यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो प्लस है ना तो जो साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ पर आपको लिख देना है, याद हुआ, अगर यहाँ पर प्लस है तो जो साइन यहाँ पर है वही यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर माइनस रहेगा तो इसको उलट देंगे, क्यों ऐसे भी प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी आप सोच सकते हैं प्लस माइनस माइनस, अलग अलग साइन तो माइनस करना है, एक जैसा साइन तो प्लस करना है, आया समझना, तो प्लस माइनस माइनस और दो के पार में छह तीन बार में, दोनों जगह मिल गया क्या, दोनों जगह मिल गया है तो आपका बना हुआ क्या है सही है, दोनों जगह में से एक बार लिख देंगे इसको और ये तो जैसे था वैसे लिखा गया यहाँ थ्री एक्स और थ्री एक्स, यहाँ प्लस टू का प्लस टू, यहाँ पर हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर टू बन गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री बनाने, थ्री ध्यान से देखिए थ्री में कुछ खास बात है, क्या खास बात है ये देखिए मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। अब ये सब मानक रूप क्या होता है, मानक रूप का मतलब होता है घटते क्रम, पावर के रूप में घटते क्रम, इसका पावर कुछ नहीं है क्या है एक है, इसका पावर कितना है दो है, इसमें इसमें है वाई नहीं है, तो जब नहीं है तो पावर क्या हो गया जीरो, जब नहीं रहेगा तो पावर कितना हो जाएगा जीरो, तो हमको घटते क्रम लिखना था, सबसे बड़ा पावर कौन है दो ना, तो ये पहले लिखेंगे प्लस टू वाई स्क्वायर, तो सर प्लस नहीं लिखे आगे प्लस लिखो अथवा ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इसके बाद ये लिखेंगे पावर वन वाला, इसके ऊपर कुछ नहीं तो वन है ना, तो ये वाला लिखेंगे यहाँ पर माइनस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए गुना कर लीजिए दो एवं दो, ये तो जैसे वैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, इसमें सोचते नहीं है,
यहां पर माइनस को भी माइनस ही देते हैं। अब यहां पर सोचते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लास्ट वाला साइन लिखे क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो कोई दो ऐसा संख्या बताइए जिसको घटाने पर, यहां कुछ एक है ना, तो जिसको घटाने पर एक आवे और गुणा करने पर दो, तो दो ऐसा संख्या कौन कौन होगा, दो एक क्या, दोनों को घटा करके एक आ गया, कुछ नहीं तो क्या है एक है, तो दो एक को घटा के तो एक आ जाएगा, इधर को गुना करके देखिए दो आएगा ना। तो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि कोई दो ऐसा संख्या बताइए जिसको यहाँ पर माइनस है ना, तो घटाना चाहिए, तो घटाने पर आपको कितना आना है एक, तो ये दो हो गया। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पर टू है तो टू बाई है ना, तो बाई ही लिखेंगे, जैसे एक साथ एक से लिखते बाई तो बाई लिखे, यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा और यहाँ वन है तो वन लिखेंगे, बाई तो बाई, अब बोलिए पर क्या लिखेंगे प्लस की माइनस, तो सिंपल सी बात बोले थे कि यहाँ पर जो साइन रहेगा वही यहाँ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि घटा रहे हैं ना जी, तो घटाने के लिए क्या लिखना पड़ता है माइनस फिर माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए टू वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टू वाई माइनस माइनस प्लस वन वाई, हम ऐसे बोले थे कि आप वन यहाँ पर लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, लिखेगे तो भी कोई दिक्कत नहीं और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस वन दोनों लिखे दो दो है तो दो कॉमन हो गया ना, दो कॉमन हो गया, यहाँ पर दो वाई यहाँ पे एक वाई, एक वाई मिल गया, एक वाई निकाल लिया, देखिए दो का पार दो एक बार ना एक यहाँ लिख देंगे बाई दो में से एक निकल गया तो एक बाई, क्या बोले थे यहाँ पर वन आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, अगर आप नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, जनरली नहीं लिखते हैं, ये जो चर राशि था चर राशि के साथ वन नहीं लिखा करते हैं, तो यहाँ पर बाई हो गया तो माइनस दो के पार में दो एक बार में तो एक, यहाँ पर बाई में से बाई निकल गया ना, यहाँ पर बाई बचा नहीं तो यहाँ पर एक लिखेंगे, क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर कोई चर राशि नहीं है, चलिए प्लस है तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो पहले ही बताते हैं कि यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होता, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, कुछ कॉमन नहीं रहता तो एक लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी एक है तो एक का पारा तो दोनों एक आएगा ना, तो एक का पारा में दोनों एक आएगा एक यहाँ लिख देंगे, अब एक का पारा बाई बाई बार में यहाँ माइनस वन, अब दोनों मिल गया क्या, अगर मिल गया तो बना हुआ क्या है सही है, दोनों की जगह पर एक लिख देंगे, ये दोनों की जगह पर एक, इसके जब यहाँ पर टू वाई तो टू वाई, यहाँ पर प्लस वन है तो प्लस वन, तो ऐसा करना है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर ए स्क्वायर माइनस फाइव बी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ये इस रूप में नहीं है, कभी कभी आपको गुणनफल करने के लिए इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक ना, इस तरीके से जब दिया जाएगा तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें आपको देखना क्या है कि यह किसी का स्क्वायर है कि नहीं स्क्वायर है, ये देखिए तो फोर है दो का स्क्वायर, ए तो ए का स्क्वायर हो गए, माइनस फाइव किसका स्क्वायर है नहीं है, जब स्क्वायर नहीं रहेगा ना तो रूट में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे रूट में, अगर ये स्क्वायर रहेगा तो रूट में नहीं लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ ट्वेंटी फाइव रहता तो ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर होता है फाइव का ना, तो यहाँ पर रूट फाइव में लिखे क्या लिखते हैं फाइव लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो फाइव है तो फाइव किसी का स्क्वायर है नहीं है, जब स्क्वायर नहीं रहा तो यहाँ क्या लिखेंगे रूट, ये बी स्क्वायर तो बी का स्क्वायर है ना जी, तो ये रूट में रहेगा क्या, ये रूप में नहीं रहेगा, ये पूरे पर स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पढ़े हो कभी, नहीं पढ़े हो तो लिख दिए, आप इसको लिख लो और याद कर लो, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये पूरा मान लीजिए ए के फॉर्म में है ए स्क्वायर, और ये पूरा मान लीजिए बी के फॉर्म में है तो बी स्क्वायर, तो इतना बल क्या दोनों को एक बार जोड़ना है एक बार घटा देना, ये लिख रहा है ना, तो दोनों को एक बार जोड़िए, जोड़िए क्या होगा टू ए प्लस रूट फाइव बी, एक बार दोनों को क्या कीजिए घटाइए तो टू ए माइनस रूट फाइव बी, यही करना है, जब इस तरह से हो जाएगा ना दोनों स्क्वायर रूट में तो दोनों के एक बार जोड़िए दोनों के एक बार घटाइए, तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए वो भी इस टाइप का है, यहाँ नाइन एक्स स्क्वायर माइनस हंड्रेड, तो इसको देखिए नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का, एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर होता है, हंड्रेड टेन का स्क्वायर, जब भी ऐसा रहे तो आपको देखना कि किसी का स्क्वायर है क्या, स्क्वायर का कोई इसे कर लेना है, अब यहाँ पर देखिए हो गया स्क्वायर तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर यहाँ ए कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो ए दिख रहा था, तो क्या यहाँ पर ए था इसलिए यहाँ पर ये कुल लगा, नहीं इस फॉर्म में है, देखिए इस रूप में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ये भी ए स्क्वायर है, ये पूरा क्या है ए स्क्वायर के रूप में, ये बी स्क्वायर के रूप में, मतलब जब भी स्क्वायर के रूप में माइनस में रहे ना तो दोनों के बाद जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तीन एक्स प्लस दस फिर तीन एक्स माइनस दस, अब इसको क्या जोड़ भी देंगे क्या दस में तेरह एक्स, ऐसा तो जोड़ आपको आता होगा
इसको जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये लोग सजातीय नहीं है। सजातीय मतलब एक जैसा टर्म नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, फिर अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म तो अलग अलग जाति का है, ये चर राशि वाला, ये बिना चर राशि वाला, तो ये दोनों जुटेगा नहीं, नहीं ना जुटेगा, नहीं जुटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स इसको बैठा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या है। सिक्स में आपको लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस सिक्सटी। तो ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि यहाँ पर शुरू में माइनस है, जब भी शुरू में माइनस आवे ना तो पहले माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस को कॉमन कर लीजिए ना, ठीक क्या हो जाएगा, माइनस से बाहर निकलेगा सब उलट जाएगा। अभी बताए थे कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आएगा अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा, बताया था ना। तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस कर दिया ये माइनस होता क्या हो जाएगा प्लस में, ये भी माइनस होता क्या हो जाएगा प्लस में, एक प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, बड़ी कर इसको ऐसे ही लिखेंगे। चलिए एक सस्वार, अब उनको पता नहीं कि इसको इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, जैसे करते थे जो काम करते थे वही करना है इसमें, बस ये जैसे चल रहा है चलने दीजिएगा। यहाँ वन और साठ को गुना करेंगे कितना आएगा साठ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, यहाँ पर सोच के लिखना पड़ता है ना, क्या सोचना है, चले यहाँ पर माइनस है, क्या यहाँ पर माइनस है, तो कोई दो ऐसी संख्या बताइए जिसको गुना करने पर साठ आवे और घटाने पर, या माइनस तो घटाना था, घटाने पर कितना आवे ग्यारह। तो ऐसा संख्या आपको पंद्रह और चार दिख रहा है क्या, पंद्रह चार में घटा दीजिए ग्यारह आएगा, अब पंद्रह चौके साठ हो रहा है ना, तो बस इसको यहाँ पर लिख दीजिए पंद्रह एक, और क्या करना है माइनस करना है ना, यहाँ पर जो साठ रहता है वही लिखते हैं, तो माइनस चार एक्स माइनस साठ, ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप चाहो तो माइनस को अंडर कर सकते हो, अभी चाहो तो अभी माइनस को अंडर कर दो, नहीं तो बाद में भी आप कर सकते हो। हम अभी माइनस को क्या कर लेते हैं अंदर कर लेते हैं, अंदर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, सब उल्टा हो जाएगा, ये तो जैसे था वैसे रह जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे कर लेंगे और कुछ बच्चे लेंगे सर आगे कैसे कर सकते हैं, इसको आप नहीं लिखिए कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं लिखिएगा तो सही हो जाएगा, और नहीं लिखेगा तो माइनस कैसे रहने दीजिए, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस पंद्रह एक्स प्लस माइनस माइनस चार एक्स, और यहाँ पर माइनस है ना ये माइनस साठ को लिखा। अब आगे आपको अब यहाँ पर माइनस को अंदर करना ही पड़ेगा, तो अंदर करने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, साइन को उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, देखिए सब उल्टा हो जाएगा ना, सब उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस कॉमन करते हैं एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स, जैसे बोले तो ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो अंदर का साइन उलट जाएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, फोर है, चार के पारा में चार आता है साठ भी आता, तो चार कॉमन किए एक्स, चार के पारा में साठ कितना बार में पंद्रह बार में, देखिए तो जरा दोनों मिल गया क्या, दोनों जब मिल गया तो हमारा बना हुआ क्या है सही है। ये दोनों के जगह पर क्या लिखेंगे, एक चीज लिख देते हैं पता है ना, सब में तो यही काम करना है, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स यहाँ लिखेंगे, तो आप ऐसे भी आंसर भी लिख सकते हो, और नहीं तो कभी कभी ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए माइनस लोग क्या करता है ना कि लोग पीछे कर देते हैं, देखने में सुंदर लगे इसीलिए, तो प्लस वाले को आगे पढ़ लीजिए और माइनस वाले को पीछे, तो क्या ये गलत है, नहीं ये भी आपका सही है ये भी सही है, ये दोनों आंसर क्या आपका सही है, तो आप ऐसे भी लिख के छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा सुंदर करना चाहते हो तो क्या करना ना, माइनस वाले को पीछे कर देना प्लस वाले को आगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। सेवन लिखिए, सेवन भी बता देते हैं आपको, इसलिए को मिटाना पड़ेगा, चलिए यहाँ पर जगह यहाँ पर बता देते हैं, इतना में हो जाएगा, ये फाइव बीस का माइनस पच्चीस भी। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है, जब भी इस तरह का है फाइव बीस का माइनस पच्चीस भी, फाइव एक्स का माइनस पच्चीस एक्स, मतलब दोनों में यहाँ पर एक से कुछ रहे ऐसा रहता है, यहाँ पर कॉमन आपको दिखेगा क्या, पांच के पारा में पांच है पच्चीस भी है, तो यहाँ पांच कॉमन हो जाएगा आपका, यहाँ बी दो हो या बी एक हो, एक बी कॉमन हो रहा है ना, एक बी आप निकाल लीजिए, तो एक पांच के पारा पांच, एक बार में दो बी में से एक बी निकला तो एक बी हुआ ना, एक तो नहीं लिखते हैं रन दीजिए, माइनस का माइनस पांच के पारा पच्चीस पांच बार में बी तो यहाँ लिखा गया ना, तो बी लिखने की कोई जरूरत नहीं, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आगे इसमें कोई काम होने वाला है नहीं, तो ये था आपका क्या ना, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का गुणनखंड। तो
आज के लिए इतना ही, ठीक ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ नहीं करना है, बस एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि आपको करना क्या है कि आगे से पीछे में गुना करना है, आगे से पीछे में गुना करके लिख देना है 24। और यहाँ देख रहा है कि प्लस है, तो प्लस तो कोई दो को ऐसा संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर 10 आ गए, या प्लस है तो जोड़ने पर 10 आना चाहिए और गुना करने पर 8, तो 4 और 6 ऐसा दो संख्या जिसको जोड़ने पर 10 आता है और गुना करने पर 24। तो यहाँ पर जो था वो लिख दिए, माइनस का माइनस हुई है, और इसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 4x प्लस 6x। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस। देखिए अगला में यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या लिखे माइनस। तो इस तरीके से आपको बनाना है, इसके बाद फिर आपको ये सॉल्व करके ऐसे आ जाएगा, तो दोनों को दो पार्ट में बांट देना और दोनों में देखना है कि क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन में क्या आपको लिख देना। तो इस प्रकार से आप ये क्या क्लास 7, 8, 9, 10 चारों क्लास का मैथ आप सॉल्व कर सकते हो। ये 6, 7 से ही मिलता है ये मैथ, ऐसा 6, 7 क्लास से ही आपको मिलेगा, तो इससे आप 6, 7, 8, 9, 10 का मैथ सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ खास टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।